आफ्टर माई थ्री इंटरव्यूज आई फेल्ट के देर सर्टेन ट्रेड्स वट दे आर लुकिंग फॉर, उनमें सबसे पहली वही आता है देर शुड बी सम एनर्जी इन द पर्सन. द मोमेंट ही इज एंटरिंग द हॉल ना, दैट एनर्जी शुड रिफ्लेक्ट, वो होता है जब आप बात करते हो किसी से. दूसरी चीज, डिसाइसिव होना चाहिए. मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमसे पूछी जाए तो भले ही से वो कितनी भी ख़राब है कितनी भी अच्छी है, इफ़ यू हैव फैक्ट्स टू प्रूव दैट या उसको बैक करने के लिए हैं तो बी डिसाइसिव अबाउट थिंग्स. आपसे कुछ पूछा जा रहा है अगर इज़ इट गुड और बैड, आप ये पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए या नहीं कर देना. एक बार मॉक इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे थे तो मोस्टली लोगों का क्या रहता है कि ऐसे सर थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए थोड़ा उससे, तो ही सेट के यार इफ़ यू आर यू शुड हैव एन ओपिनियन कि इफ दे आर डूइंग समथिंग बैड यू शुड अटैक, इफ दे आर नॉट डूइंग तो आपको दूसरे वे में हैंडल करना चाहिए एंड यू शुड हैव फैक्ट्स टू बैक योर आंसर. तो दैट्स वॉट दे लुक इन फॉर, कि द पर्सन शुड बी डिसाइसिव, उसका अपना ओपिनियन होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है तो आई फील ये ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं कि ये ऐसे भी हो सकती है ये ऐसे भी हो सकती है. तो एनर्जी न्यूट्रल, डोंट ट्राई टू बी न्यूट्रल, डोंट ट्राई टू शो देम के मतलब हाँ ये इस तरीके से है. तो आई फील एनर्जी इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइसिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके. आपकी ओपिनियंस बड़े मैटर करते हैं, यू शुड बी ओपिनियनेटेड अबाउट थिंग्स के जो भी चीज़ें हो रही हैं. अवेयरनेस एक चीज़ों को लेके. दूसरी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि आप से रैंडम कोई भी चीज़ अगर पूछ दी जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, कि आप वो वहाँ पे किस तरीके से आप वो करो. तो ये 3-4-5 ट्रेट्स होते हैं आई थिंक. पॉजिटिविटी इज़ वन, दैट इज़ पार्ट ऑफ इट. तो वो होते हैं लोगों में कि वो उसको जो वो सर्च करते हैं, तो आई फील ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करते हैं.